राजस्थान जनता जल कर्मचारी संघ से संबंध कर्मचारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं इनकी मांगें सरकार द्वारा नहीं माने जाने पर अब वो धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। गुरुवार को सांकेतिक धरना और ज्ञापन के बाद शुक्रवार से महापड़ाव पर उतर आए। महावीर नगर में जलदाय विभाग के मुख्य कार्यालय के बाहर जनता जल कर्मचारियों ने महापड़ाव डालकर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान जनता दल कर्मचारी संघ के संबंध कर्मचारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं इनकी मांगें सरकार द्वारा नहीं माने जाने पर अब वे धरना प्रदर्शन व महापड़ाव पर उतर आए हैं। गुरुवार को सांकेतिक धरना व ज्ञापन के बाद शुक्रवार से महापड़ाव पर उतर आए। महावीर नगर में जलदाय विभाग के मुख्य कार्यालय के बाहर जनता दल कर्मचारियों ने महापड़ाव डालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मांगे नहीं माने जाने पर जयपुर में महापड़ाव करने की बात कही। महापड़ाव को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित जनता जल योजना में दीर्घ समय में कार्यरत 7 से 8 हजार पंप चालकों की समस्याओं के संबंध में कर्मचारियों ने गत समय अनेकों ज्ञापन सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत किए थे, लेकिन उन पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और आज दिनांक तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। उन्होंने जनता जल योजना में कार्यरत पंप चालकों को विभाग के रिक्त स्थायी पदों पर समायोजित करते हुए नियमित घोषित करने, समान काम समान वेतन लागू करने, विभाग में रिक्त 70 हजार पदों में तकनीकी कर्मचारी की भर्ती, पंप चालकों को सुरक्षा बीमा का लाभ दिलवाने, सामाजिक सुरक्षा जैसे बीमा, चिकित्सा सुविधा, पेंशन व अनुकंपा नियुक्ति का भी लाभ दिए जाने की मांग की। मांगे 28 सालों से लंबित है। हमने 15 तारीख को जल भवन में घेराव किया था और कहा था कि यदि हमारी मांगे 25 तारीख तक नहीं मानी जाती है तो हम प्रत्येक जिलों पे धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांग है 1994 से हम जनता दल कर्मी काम कर रहे हैं जलदाय विभाग के परमानेंट कर्मचारियों के समान, जो आज तक हमारे को न्यूनतम मजदूरी जो अकुशल की मिल रही है वो भी सिर्फ 26 दिन 30 से 31 दिन काम करते। और हमारी मांग ये है कि अनुभव और दीर्घकालीन से काम कर रहे हमारे जनता दल कर्मियों को नियमित किया जाए और नियमित करने की प्रक्रिया करती है सरकार, तब तक हमारा जीवन यापन करने लायक हमारी वेतन वृद्धि की जाए। सरकार के खिलाफ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन और हड़ताल पर उतरे राजस्थान जनता दल कर्मचारी संघ के कार्मिकों ने जल जीवन मिशन के माध्यम से पुनः सभी योजनाओं को ग्राम समितियों को सौंपे जाने वाले ड्राफ्ट में संशोधन करते हुए PHED को ही संचालन संधारण करवाने की मांग की। उन्होंने विभिन्न समस्याओं का निराकरण करते हुए राहत की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में जनता दल योजना से जुड़े कार्मिक मौजूद रहे।